नमस्कार, मैं तापुषी। आज हम मीठी पराठा बनाएंगे। इसको चीनी पराठा भी बोला जाता है। ये पराठे बनाते हैं। चलिए, चीनी पराठा बनाने के लिए हमने आटा लगा लिए हैं और रोटी के जैसे बनाते हैं उसी तरह हमने आटा लगाया और पेड़े भी बना लिए। और यहाँ हमने 3-4 चम्मच चीनी लिए और 2 इलायची पाउडर बना लिए। इसको चीनी के साथ हम मिला लेंगे। अब इस बेरे में हम चीनी भरकर पराठा बनाएंगे। देखिए, सूखी आटा थोड़ा ले लेंगे हाथ में। अब इस तरह से हम गोल कटोरी जैसे बना लेंगे। अब इसके अंदर हम चीनी को भरेंगे। 2 चम्मच चीनी भरेंगे। इसको बंद कर देना है। इस तरह से बंद कर दीजिए और इसको रख देना है। और एक बना लेते हैं। इस तरह का कटोरी बनाएंगे। 2 चम्मच चीनी डालेंगे। इसको इस तरह बनाएंगे। इस तरह से हम सभी पेड़े में चीनी भर लेंगे। उसके बाद हम पराठा बनाएंगे। इस तरह से पराठा बनाएंगे। और एक बना लेते हैं। देखिए, सूखी आटा लगाएंगे और बेलना है। इस तरह से हम सभी पराठे बेल लेंगे। हमने सभी पेड़े में चीनी भर लिए। अब इसको सूखी आटा लगाकर हमको बेलना है। आप गोल भी बेल सकते हैं, पराठे के आकार में भी बेल सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद है बेल सकते हैं। तवे में पराठे को सेक लेना है। एक साइड होने से दूसरा साइड पलटना है और एक पराठा देते हैं। इसको भी पलट देते हैं। दोनों साइड से सेकना है। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। और 1 चम्मच तेल डालें। पराठे को दोनों साइड से अच्छा से सेकना है। धीमी आंच में सेकना है। एक साइड बनने का बाद दूसरा साइड हम पलटेंगे। अगर ज़रूरत हो तो गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। अपना सुविधा अनुसार इसको फ्लेम को बढ़ाइए, कम कीजिए। देखिए, हमारा पराठा तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए, हमारा चीनी पराठा या मीठे पराठे तैयार है। इस तरह का पराठा बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। बच्चों इसे बहुत पसंद करते हैं। और आप भी बनाइए, खाइए। अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करें।